Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं धीरज चजक टेस्टबुक में आपका स्वागत करता हूँ। इस वाले वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ समानार्थी, विरुद्धार्थी, रिक्त स्थानों में पूर्ति और वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आइए बढ़ते हमारे पहले प्रश्न की ओर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं सभी टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझाने की कोशिश करूँगा, तो हम अपना पहला प्रश्न देख सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया है, एक शब्द को मोटे अक्षर में लिखा है और उसका विलोम नीचे चार विकल्पों में से एक होगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ शब्द ही नहीं रखा है, उसको एक वाक्य में डाल दिया है, जिससे कि हम जब विलोम ढूंढेंगे तो वो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पता चलेगा। तो आइए पढ़ते हैं पहला प्रश्न और ढूंढते हैं इसका विलोम। मोहन की कविता मौलिक ना होकर डैश है, तो आपको क्या लगता है इसका उत्तर क्या होगा? अमूल्य, अनमोल, काल्पनिक, अनुदित। मैं एक और बार आपके लिए प्रश्न पढ़ देता हूं। मोहन की कविता मौलिक ना होकर डैश है, अमूल्य, अनमोल, काल्पनिक, अनुदित। तो इसका उत्तर है ये, मोहन की कविता मौलिक। मौलिक क्या होता है? जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, जो अपनी मूल प्रति में होता है, उसे हम कहते हैं मौलिक। तो मौलिक का विरुद्धार्थी होता है अनुदित। अनुदित मतलब होता है ट्रांसलेटेड, जो किसी एक भाषा से, किसी मूल भाषा से, किसी स्रोत भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है, अनुवादित किया जाता है, उसे हम कहते हैं अनुदित। तो दूसरे शब्दों का भी अर्थ हम जान लेते हैं। अमूल्य का अर्थ होता है जिसका कोई मोल ना हो, उसे कहते हैं अमूल्य। अनमोल होता है वह जिसका किसी से मोल नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए अनमोल अक्सर अच्छे संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। अब काल्पनिक क्या होता है? काल्पनिक मतलब होता है नकली। तो यहाँ पे मौलिक का उत्तर होगा अनुदित। मोहन की कविता मौलिक ना होकर अनुदित है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने रहा ये, कानून की अनभिज्ञता क्षम्य नहीं होती, इसलिए उसकी डैश आवश्यक होती है। अभिज्ञता, बहुज्ञता, विज्ञता, अल्पज्ञता। तो एक और बार मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ देता हूँ। कानून की अनभिज्ञता क्षम्य नहीं होती, इसलिए उसकी डैश आवश्यक होती है। अभिज्ञता, बहुज्ञता, विज्ञता, अल्पज्ञता। तो इसका उत्तर है ये, कानून की अनभिज्ञता क्षम्य नहीं होती, इसलिए उसकी अभिज्ञता आवश्यक होती है। अनभिज्ञता का मतलब होता है ना जानना, तो कानून के बारे में ना जानना क्षम्य नहीं होता है, इसलिए उसको जानना आवश्यक होता है, इसलिए उसकी अभिज्ञता आवश्यक होती है। अब जान लेते हैं दूसरे विकल्पों का अर्थ क्या होगा। बहुज्ञता, बहुज्ञता मतलब होता है जिसे बहुत सारे विषयों की जानकारी होती है, उसे हम बहुज्ञ कहते हैं, और विषयों की जानकारी होने के भाव को बहुज्ञता कहते हैं। विज्ञता का अर्थ होता है बहुत अधिक जानकारी होने का भाव। अब अल्पज्ञता मतलब होता है बहुत कम जानकारी होने का भाव। तो अनभिज्ञता का विरुद्धार्थी होगा अभिज्ञता। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारे सामने रहा ये, प्राय निबंध समास शैली और उपन्यास डैश शैली में लिखे जाते हैं, संधि, विच्छेप, व्यास और धारा। तो इसका उत्तर क्या होगा आपके अनुसार? मैं एक और बार आपके लिए प्रश्न पढ़ देता हूँ। प्राय निबंध समास शैली में और उपन्यास डैश शैली में लिखे जाते हैं। तो इसका उत्तर हमारे सामने रहा ये, प्राय निबंध समास शैली में और उपन्यास व्यास शैली में लिखे जाते हैं। अब हम जान लेते हैं समास शैली और व्यास शैली क्या होती है। समास शैली वो शैली होती है जिसमें बिखरी हुई चीज़ों को, बिखरे हुई सामग्रियों को एक साथ प्रबंधित तरीके से लाया जाता है। और व्यास शैली क्या होती है कि जानकारी को विस्तृत रूप में रखना। तो जो निबंध होता है वो बहुत सारी जानकारियों को ना एक प्रबंधित तरीके से ला कर उन्हें छोटा करके निबंध बनाया जाता है। और व्यास शैली में क्या होता है, जैसे कि आप लोग ने उपन्यास पढ़ा होगा, वो बहुत ही लंबा चौड़ा होता है और उसमें हर चीज़ पूरे डिटेल में बताई जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे आएगा व्यास। अब संधि का अर्थ जान लेते हैं। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, विक्षेप का अर्थ होता है किसी चीज़ को अलग से जोड़ना। तो इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर होगा व्यास। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने रहा ये, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुरक्ति तथा डैश के क्षण आते हैं, तो आपको क्या लगता है इसका उत्तर क्या होगा? संशक्ति, विमुक्ति, विरक्ति, आशक्ति। मैं फिर से आपके लिए प्रश्न पढ़ देता हूँ। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुरक्ति तथा डैश के क्षण आते हैं,
और आपके लिए विकल्प है संशक्ति, विमुक्ति, विरक्ति, आसक्ति। तो आइए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ये, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुरक्ति तथा विरक्ति के क्षण आते हैं। अनुरक्ति मतलब होता है गहरे लगाव का भाव, और विरक्ति का अर्थ होता है गहरे अलगाव का भाव, बिछड़ने का भाव, उसे हम विरक्ति कहते हैं। अब जान लेते हैं संशक्ति, विमुक्ति और आसक्ति का अर्थ। संशक्ति का अर्थ भी होता है कि थोड़ा लगाव, ज़्यादा लगाव नहीं पर थोड़ा सा लगाव, उसे हम संशक्ति कहते हैं। तो ये एक तरह से अनुरक्ति का समानार्थी हो जाएगा, इसके लिए वो उधर नहीं आएगा। विमुक्ति का अर्थ होता है किसी चीज़ से मुक्त हो जाना, उसे हम कहते हैं विमुक्ति। और आसक्ति का अर्थ होता है लगाव का भाव। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारे सामने रहा ये, इतनी उपादेय वस्तु को डैश बताकर आप अपनी अल्पज्ञता ही सिद्ध कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक ऐसा वर्ड यूज़ किया गया जो मैंने आपको तीन प्रश्न पहले ही सिखाया था, और वो है अल्पज्ञता। अल्पज्ञता का अर्थ होता है कम ज्ञान होने का भाव। तो इस संदर्भ में इस वाक्य का अर्थ कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि इतनी उपादेय वस्तु को डैश बताकर आप अपनी अल्पज्ञता ही सिद्ध कर रहे हैं। मैंने ये सब वर्ड फिर से इसके लिए डाले हैं कि आपको याद रहे। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि हम जब एक शब्द एक बार पढ़ते हैं तो फिर बाद में अगर हम उनको याद नहीं रखते तो हम फिर से उन्हें भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैंने ये सब ट्रिक्स यूज़ की कि आपको वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे। तो आइए देख लेते हैं इसका उत्तर होगा क्या। इतनी उपादेय वस्तु को डैश बताकर आप अपनी अल्पज्ञता ही सिद्ध कर रहे हैं। उपादेय वस्तु होता है जिसका कोई मूल्य हो, मूल्यवान वस्तु को हम उपादेय बोलते हैं। और उपादेय का विरुद्ध अर्थ होता है हे मतलब होता है तुच्छ वस्तु। तो आइए दूसरे विकल्पों का अर्थ जान लेते हैं। आदेय, आदेय, देय मतलब जो देने के लिए हो, आ मतलब जो बच गया हो। तो आदेय का अर्थ होता है जो देने के लिए रह गया हो। अब दूसरा विकल्प है श्रेय। श्रेय मतलब हम बहुत बार आपस में बातचीत करते हुए बोलते हैं कि अरे इस बात का मुझे श्रेय मत दो, ये तो आपकी मेहनत का नतीजा है। तो यहाँ पे श्रेय का मतलब होता है क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार से मत समझ लेना। श्रेय जो हम देते हैं किसी को तो वो श्रेय। प्रिय, प्रिय मतलब जो हम किसी को प्रेषित करना चाहते हैं, जो हम किसी को भेजना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रिय। और हे का मतलब तो आप समझ ही चुके हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्र की डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। तो आपको क्या लगता है इसमें कौन सा विकल्प आएगा, डान, शान, आन, बान या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हमारे सामने रहा ये, राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। दान क्यों नहीं, क्योंकि दान वो होता है जो हम किसी को स आदर मतलब पूरी सम्मान के साथ उसकी आवश्यकता अनुसार उसको देते हैं, उसे हम दान कहते हैं। शान, शान का संदर्भ ठाट बाट से है। हम कहते हैं ना अरे यार तू तो अपनी शान में ही रहता है, मतलब जो अपनी ठाट बाट में रहता है, गरिमा गौरव, इसे हम शान कहते हैं। आन, आन का अर्थ होता है इज्जत से। तो राष्ट्र की आन यानी कि इज्जत के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। बान का अर्थ क्या होता है, बान का अर्थ वो होता है नदियों में जो लहरें, ऊंची ऊंची लहरें जो उठती हैं, उसे हम बान कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारे सामने रहा ये, बंदूक एक उपयोगी डैश है, औजार, अस्त्र, शस्त्र, रक्षक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हमारे सामने रहा ये, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। अब अन्य शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। औजार, औजार क्यों नहीं, औजार वो होता है जो हम हाथ से काम करते हुए जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं उसे हम औजार कहते हैं। अस्त्र, अस्त्र वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम फेंक कर वार करते हैं, जैसे बम हो गया, ग्रेनेड हो गया, तो ये सब फेंक के वार की जाती है, इसके लिए इसे अस्त्र कहते हैं। शस्त्र क्या होता है, शस्त्र वो होता है जिसे हाथ में लेकर वार किया जाता है, जैसे कि बंदूक हो गई, तो ये सब शस्त्र में आते हैं। तो बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। रक्षक क्यों नहीं, रक्षक का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, तो यहाँ पे रक्षक भी नहीं आएगा, तो इसका उचित विकल्प होगा शस्त्र। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, दैनिक जीवन में जो व्यक्ति डैश को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। तो आपको क्या लगता है इसका विकल्प क्या होगा, सील, सौंदर्य, ईश्वर, स्वार्थ या शक्ति।
मैं एक और बार आपके लिए प्रश्न पढ़ देता हूँ। दैनिक जीवन में जो व्यक्ति डैश को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है, सील, सौंदर्य, ईश्वर, स्वार्थ, शक्ति। तो इसका उत्तर हमारे सामने रहा ये, दैनिक जीवन में जो व्यक्ति सौंदर्य को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। तो ये बात तो सही है, जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में सौंदर्य को स्थान देगा उसमें ही कला, कला क्या होता है, जो सौंदर्य से उत्पन्न होता है, कला में हमें सुंदरता दिखाई देती है। तो जो व्यक्ति कला को अपने जीवन में महत्व देगा, स्थान देगा, उसमें कलात्मक रुचि का विकास होगा। अब जान लेते हैं अन्य विकल्पों का अर्थ क्या है। शील, शील का मतलब होता है नैतिक आचरण, जो अच्छा आचरण करता है, जो अच्छा बिहेव करता है उसे हम शील युक्त मनुष्य कहते हैं। तो शील का अर्थ होता है अच्छा बिहेवियर, अच्छा आचरण, नैतिक आचरण करने वाला, ये हो गया। स्वार्थ, सेल्फिश बोलते हैं ना हम लोग, स्वार्थ वही होता है। शक्ति, शक्ति तो आप सभी को पता है, सबके पास शक्ति होती है, किसी के पास धन की शक्ति होती है तो किसी के पास बल की शक्ति होती है, तो शक्ति भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे उचित विकल्प होगा सौंदर्य। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। योग साधना में डैश और शाकाहार का विशेष महत्व है, अल्पाहार, फलाहार, मिताहार, आहार उपयुक्त सभी। तो मैं एक और बार आपके लिए ये प्रश्न पढ़ देता हूँ। योग साधना में रिक्त स्थान और साकार का विशेष महत्व है, अल्पाहार, फलाहार, मिता आहार, आहार उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हमारे सामने रहा ये, योग साधना में फलाहार और शाकाहार का विशेष महत्व है। जो हम योग करते हैं, योग जब हम करते हैं तो उसके अंदर फल आहार, फलाहार मतलब फल आहार, फल धन आहार मतलब फलों का आहार करना, फलों का भोजन करना, और शाकाहार साक धन आहार मतलब वनस्पति का जो भोजन होता है, वनस्पतियों से जो आहार मिलता है, जैसे कि फल हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो ये सब हमारे शाकाहार में आते हैं। तो इन सब का विशेष महत्व है। अब जो अन्य विकल्प है उनका अर्थ जान लेते हैं। अल्पा आहार, अल्पा आहार होता है अल्प धन आहार, अल्प मतलब कम, आहार मतलब भोजन, तो कम खाना खाने को अल्पाहार बोलते हैं। मिता आहार भी उसी का पर्यायवाची है, मित मतलब कम, आहार मतलब भोजन, आहार आहार तो आहार ही होता है, खाना भोजन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने रहा ये, डैश की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई है, सुष्मिता, अस्मिता, स्मिता, विस्मिता, इनमें से कोई नहीं। एक और बार मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ देता हूँ। डैश की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई है, तो देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर रहा हमारे सामने ये, अस्मिता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई। अब इसमें एक कठिन शब्द दिया गया है, वो है नियति। नियति का अर्थ क्या होता है, नियति मतलब जो होना ही है, जो भाग्य में लिखा हुआ है उसे कहते हैं नियति। तो अस्मिता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई है, अस्मिता का अर्थ होता है पहचान, पहचान की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियतियों के चक्र में फंस गई है। अब अन्य विकल्पों का अर्थ देख लेते हैं। सुष्मिता, सुष्मिता का अर्थ होता है अच्छी मुस्कान, स्मिता का अर्थ होता है अपने होने का भाव, विस्मिता, विस्मिता का अर्थ होता है विस्मय होने का भाव, मतलब आश्चर्यचकित होने का भाव को विस्मिता कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारे सामने रहा ये, इस प्रश्न में हमें पर्यायवाची ढूंढना है, मतलब समानार्थी। तो देखते हैं जंगल का समानार्थी क्या है, बहन, विभा, कानन, कुसुम। एक और बार मैं आपके लिए विकल्प पढ़ देता हूँ। तो हमें जंगल का पर्यायवाची ढूंढना है, पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थी। तो देख लेते हैं, बहन, विभा, कानन, कुसुम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ये, कानन। जंगल को हम कानन भी कहते हैं। अब जान लेते हैं अन्य शब्दों का अर्थ। बहिन, बहिन का अर्थ होता है बहन से ही। विभा, विभा का मतलब होता है शोभा। और कुसुम, कुसुम का अर्थ होता है पुष्प, फूल, तो कुसुम का अर्थ हो गया फूल। अगला प्रश्न हमारे सामने रहा ये, सुगंध के लिए पर्यायवाची क्या होगा, इत्र, सौरभ, चंदन, केसर, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हमारे सामने रहा ये, सुगंध का पर्यायवाची होता है सौरभ। अब बाकी विकल्पों का अर्थ जान लेते हैं। इत्र, इत्र का अर्थ अत्तर से है, जो कई लोग लगाते हैं अपने कपड़ों पे। आपने कई लोगों को देखा होगा कि अत्तर की एक शीशी होती है जिसे वो अत्तर लगाते हैं, तो उसे हम
इत्र कहते हैं। अब चंदन, चंदन एक सुगंधित वृक्ष की लकड़ी को हम चंदन कहते हैं। केसर, केसर मतलब कुमकुम, तो केसर भी यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका उत्तर हमारे सामने रहा ये, शाश्वत का पर्यायवाची होता है लौकिक। अब अन्य शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। आंशिक का होता है अंश से संबंधित। चिरंतन, चिरंतन का अर्थ होता है पुराना, जो बहुत ही पुराना हो उसे हम चिरंतन कहते हैं। साकार, साकार मतलब जिसका कोई आकार हो, जो आकार से युक्त होता है उसे हम साकार कहते हैं। तो इस प्रकार हमने तीसरा प्रश्न भी पूरा कर लिया। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने रहा ये, आग का पर्यायवाची क्या है? गर्मी, वर्षा, तपन, पावक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हमारे सामने रहा है, आग का पर्यायवाची होता है पावक। पावक मतलब आग। अब अन्य विकल्पों का अर्थ जान लेते हैं। गर्मी से तो आप सभी परिचित हैं। वर्षा, वर्षा मतलब बारिश। तपन, तपन हम सूर्य के लिए यूज करते हैं, सूरज से हम तपते हैं तो इसलिए तपन। तो इस प्रकार आप तपन को याद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने रहा ये, बादल का पर्यायवाची क्या होगा? निर्मल, पंकिल, नीरज, नीरद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हमारे सामने रहा, ये बादल का पर्यायवाची होता है नीरद। अब अन्य विकल्पों का अर्थ जान लेते हैं। निर्मल, निर्मल मतलब स्वच्छ। पंकिल, पंकिल का मतलब निर्मल से ही ऑपोजिट होता है, निर्मल का विरुद्ध अर्थ होता है। पंकिल मतलब होता है मैला। नीरज, नीरज मतलब हवा, और नीरद का मतलब तो आपको पता चल ही गया है, नीरद मतलब होता है बादल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारे सामने रहा ये, तो मैं आपके लिए एक बार निर्देश पढ़ देता हूँ। नीचे दिए गए प्रश्न में शब्दों का एक समूह या कोई वाक्यांश मोटे अक्षरों में लिखा है। वाक्य के नीचे ए, बी, सी और डी विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि वाक्य के मोटे अक्षरों वाले स्थान पर इस तरह से रखा जा सके कि वाक्य का आशय बदले बगैर उस मोटे अक्षर वाले भाग की जगह ले ले। तो इस आधार पर निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें जो हमें मोटे अक्षरों में दिख रहा है उसकी जगह एक ऐसा शब्द चुनना है जो कि उसकी जगह ले ले और अर्थ भी ना बदले। अब कोयल की वाणी सुनने में बहुत मधुर होती है, तो ऐसा क्या है जो सुनने में बहुत मधुर होता है? देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं आपको इस टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझाने की कोशिश करूंगा, और इसलिए मैंने वाक्यांश के लिए एक शब्द जैसे क्वेश्चंस के लिए मैंने एक वाक्य में उस वाक्यांश को प्रयुक्त किया है, जिससे कि आपको और मदद होगी इसे अच्छे से समझने में। तो देख लेते हैं इसका, कोयल की वाणी सुनने में बहुत मधुर होती है। सुनने में बहुत मधुर को श्रुति मधुर से बदला जा सकता है। श्रुति मधुर का अर्थ क्या होता है? श्रुति मतलब सुनना, मधुर मतलब मीठा, जो सुनने में मीठा लगे उसे कहते हैं श्रुति मधुर। अब अन्य विकल्पों का अर्थ जान लेते हैं। श्रुति सम, जो सुनने में एक समान हो, श्रुति धन सम, तो जो सुनने में एक समान हो उसे हम कहते हैं श्रुति सम। श्रुति कटु क्या होता है? श्रुति धन कटु, जो सुनने में कटु लगे, सुनने में खराब लगे उसे हम कहते हैं श्रुति कटु। श्रोतव्य क्या होता है? श्रोतव्य का अर्थ होता है जो सुनने योग्य हो, जो सुनने के लायक हो उसे हम श्रोतव्य कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा ये, वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, तो आपको इसमें इम्तिहान लेने वाले को क्या कहते हैं वो पता लगाना है। विशेषज्ञ, परीक्षक, अध्यापक, समवयस्क। तो इसका उत्तर हमारे सामने रहा ये, परीक्षक का अर्थ होता है जो परीक्षा लेता है उसे हम परीक्षक कहते हैं। अब अन्य विकल्पों का अर्थ जान लेते हैं। विशेषज्ञ, विशेषज्ञ का अर्थ होता है जिसे बहुत सारे विषयों की जानकारी हो उसे हम विशेषज्ञ कहते हैं। अध्यापक का अर्थ होता है अध्ययन करके पढ़ाने वाला, तो अध्ययन करके पढ़ाने वाले को हम अध्यापक कहते हैं। समवयस्क, समवयस्क ये तीनों से अलग ही है, इसका शिक्षा से कोई संबंध ही नहीं है। समवयस्क मतलब होता है हमारे हम उम्र का, जो हमारी ही उम्र का होता है उसे हम समवयस्क कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने रहा ये, सार्थक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, तो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? कुलभूषण, कुलीन, कुलश्रेष्ठ, अकिंचन या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हमारे सामने रहा ये,
श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले को हम कुलीन कहते हैं। अब अन्य विकल्पों का अर्थ जान लेते हैं। कुलभूषण, कुलभूषण का अर्थ होता है जो उस कुल में सबसे बड़ा हो, जो उस कुल में ज्येष्ठ हो, उसे हम कुलभूषण कहते हैं। कुल श्रेष्ठ मतलब क्या होता है? कुल श्रेष्ठ का अर्थ होता है कुल का शासक। और अंतिम विकल्प है अकिंचन। अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, उसे हम कहते हैं अकिंचन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने रहा ये, रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है। तो ईश्वर को ना मानने वाले मनुष्य को क्या बोलते हैं? सनात, नास्तिक, आस्तिक, पंडित, या इनमें से कोई नहीं। तो जान लेते हैं इसका अर्थ क्या है। इसका उत्तर हमारे सामने रहा ये, ईश्वर को ना मानने वाले मनुष्य को नास्तिक कहते हैं। तो रवि नास्तिक है। अब जान लेते हैं अन्य विकल्पों का अर्थ। सनात का अर्थ होता है जिसके पास मजदूर या कर्मचारी बहुत कम हो, उसे हम सनात कहते हैं। आस्तिक का अर्थ होता है जो भगवान में विश्वास या श्रद्धा रखता हो, उसे हम आस्तिक कहते हैं। पंडित से तो आप सभी वाकिफ है, पंडित मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, और आजकल के संदर्भ में पंडित उन लोगों को भी बोला जाता है जो पूजा पाठ कराते हैं। तो अंतिम प्रश्न हमारे सामने रहा ये, वैभव उसे मापने का प्रयास कर रहा है जिसे मापा नहीं जा सकता। तो अभी हमें उसके लिए शब्द ढूंढना है जिसे मापा नहीं जा सकता। तो जिसे मापा नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय, अपरिग्रह, अपरिहार्य, अभिमुख, या इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। वैभव उसे मापने का प्रयास कर रहा है जिसे मापा नहीं जा सकता, या हम इसे इस शब्द को बदलकर ऐसा बोल सकते हैं, वैभव उसे मापने का प्रयास कर रहा है जो अपरिमेय है। तो अपरिमेय वो होता है जिसे मापा नहीं जा सकता। अब अन्य विकल्पों का अर्थ जान लेते हैं। अपरिग्रह का अर्थ होता है जितने हमारे शरीर को आवश्यकता है उससे अधिक ना लेना। अपरिहार्य का अर्थ होता है जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, उसे कहते हैं अपरिहार्य। अभिमुख का अर्थ होता है जिसकी तरफ हम मुख किए होते हैं, जिसकी तरफ हम मुंह किए होते हैं, उसे हम अभिमुख कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ होगा। तो अगर आपको कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।